नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 से 6 सालों में हम प्लेसमेंट फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नॉलेज गेट एज अ होल काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन में आप देख रहे हो, पिछले अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश हो गया, आपकी कोडिंग प्रिपरेशन, कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जो भी जॉब अपडेट्स हैं, मार्केट ट्रेंड्स हैं, वो सब हम कवर कर रहे हैं। साथ के साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, गेट एग्जाम, कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए संचय जैन सर, उनका यूट्यूब चैनल जो है आप लोग देख रहे होंगे, आई होप सो सब्सक्राइब भी किया होगा, नहीं किया हो तो कर लीजिए, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। और रिसेंट टाइम में जब से रिसेशन का फेज आया है, एक चीज हमने रियलाइज की है कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोर ट्रेनिंग है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्किल सेट पर ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्निकली आप और फिट और साउंड रहें, उसके लिए प्रशांत जैन सर हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, उनका अपना चैनल है केजी कोडिंग। और सर के बैकग्राउंड के बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा कि पिछले 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उनको है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज में वो काम कर रहे हैं और अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को पूरा उन्होंने टीचिंग करियर में डिवोट करने का सोचा है। जहां पर वो फॉरेन कंट्रीज को सर्व कर रहे थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हमारी इंडिया की यूथ को एजुकेशन वाइज एम्पावर करें। तो एक बार मैं सर का चैनल आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं चाहता हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अब बाकी के जो दो सबसे इम्पोर्टेंट, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सर को वेलकम करें। तो आप सभी लोग सर प्लीज वेलकम हियर। तो ये प्रशांत सर हैं, आप लोगों ने काफी लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो सर के एक बार जस्ट चैनल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6 से 7 महीने हुए और जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, जो प्यार दिया है, वो नेक्स्ट लेवल है। आप देख सकते हैं रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट पर जो वीडियोस है 1 मिलियन टच हो गई, बाकी सब भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन के पास है। तो इस टेक्नोलॉजी फील्ड में हम आगे क्या करने वाले हैं और ओवरऑल क्या करने वाले हैं, वो सर आज आपको बताएंगे। थैंक यू सर। तो जैसा यस सर ने बताया कि ये चैनल लॉन्च किया, अभी हमें बहुत समय नहीं हुआ है और हमने स्टार्ट जो किया था वो किया था वेब डेवलपमेंट से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड थे कि वेब डेवलपमेंट एक अच्छा फर्स्ट स्टेप होता है टू गेट इनटू प्रोग्रामिंग, टू गेट इनटू कोडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा हायरिंग जो आजकल निकलती है, फ्रेशर्स की जो हायरिंग निकलती है, थोड़ी सी टेक्निकल जो एक्चुअली डेवलपमेंट वाली हायरिंग है, वो जनरली या तो आपसे वेब डेवलपमेंट मांग रहे होते हैं या फुल स्टैक डेवलपर की जो पोजीशन है वो निकलती है। तो अगर आप देखेंगे, पहली बात तो हम छोटे छोटे कोर्सेज नहीं करते हैं। आप देखेंगे HTML का कोर्स हमने किया 4 घंटे में, CSS का किया 7 घंटे में, JavaScript 14 आवर्स, React 19 आवर्स। यानी अगर आप एक वीडियो एक बार देखना शुरू करेंगे, एक कोर्स देखना शुरू करेंगे, तो विद प्रोजेक्ट्स, विद सर्टिफिकेशन, विद योर डाउट्स, विद एवरीथिंग, वो कोर्स वहां पर खत्म होगा। उसी हिसाब से आप लोगों का रिस्पांस भी मिला है, प्यार भी मिला है। अब जैसे जैसे हम ये आगे कर रहे हैं, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक तरह से हमने जो पूरा वेब डेवलपमेंट की जर्नी है HTML, CSS, JavaScript, React को खत्म किया, उसके बाद आप देखिए जावा हमने 3 पार्ट्स में 36 आवर्स में पूरा जावा कंप्लीट किया, और अगेन सी प्रोग्रामिंग को हमने 3 पार्ट में, यानी दोनों जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारी, सी है, जावा है, उन दोनों को भी हमने कंप्लीट किया है। अब नेचुरल नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है फुल स्टैक डेवलपमेंट, कि सर फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहली बात यही कि पूरा का पूरा मर्न स्टैक, जो आपका सबसे पॉपुलर स्टैक है, मर्न मतलब MongoDB फॉर डेटाबेस, बेसिकली ई फॉर एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होता है बैकएंड की APIs लिखने के लिए, आर रिएक्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड एन फॉर Node.js, Node.js की बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर डिमांड होती है, बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए आस्क करते हैं। तो ये तीनों के तीनों, यानी पूरा मन स्टैक हम कैसे करने वाले हैं, YouTube पर अगले 2 से 3 महीने में आप देखेंगे, जैसे React का कंप्लीट कोर्स आया है, ऐसे ही मन का भी कंप्लीट कोर्स YouTube पर आने वाला है। तो एक तो हुई ये बात, दूसरी बात सर ये क्या हम लिख रहे हैं, मन स्टैक आ रहा है, देखिए एट द सेम टाइम अभी इसी समय हम मन स्टैक का एक प्रीमियम कोर्स भी आपके साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर एक बार प्रीमियम कोर्स की तरफ देखेंगे, प्रीमियम कोर्स में क्या है, यहाँ पर होने वाली है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस मतलब कब कब होंगी, हर मंडे टू फ्राइडे, यानी 4 मंथ का भी हम ये कोर्स मानकर चल रहे हैं, 4 से 4.5 महीने में हम ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें हर मंडे टू फ्राइडे 8 PM to 9:30 PM हम ये क्लास करेंगे। सर इसकी जरूरत क्या है, जब पूरा का पूरा मन स्टैक यूट्यूब पर आने ही वाला है तो इसकी क्या जरूरत है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों को इसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों से बस यही विनती है कि आप यूट्यूब पर इसको फॉलो करें और वहां पर प्यार दें। पर इसकी जरूरत किन बच्चों को है, देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमने साथ ही में लाइव बैच भी लॉन्च किया है। क्या क्या प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम तो ये कि सर पढ़ाई तो करते हैं पर रेगुलरिटी नहीं बन पाती, यानी एक कोई हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, जब तक वो थोड़ा सा डंडा ना हो सर पर, कोई ना हो उंगली पकड़ा के चलाने वाला, तब तक हम क्लास नहीं कर पाते। तो सबसे पहली बात तो ये, मैं खुद बैठ रहा हूँ 8 बजे से 9:30 तक डेली आपकी लाइव क्लास चलेगी, और ये लाइव मतलब लाइव, मैं खुद लाइव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डेड सेशन है जो उस दिन आपके ऊपर
ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो कंप्लीट लाइव क्लास होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डाउट सॉल्विंग। देखिए प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी अगर चीज कोई है तो वो है डाउट सॉल्विंग। कई बार तो एग्जैक्ट सेम चीज जो आप सिस्टम से उतार कर लिख रहे हैं, अपने सिस्टम पर लिखते हैं, नहीं चलता, या चलाते चलाते एक डाउट भी अगर आ गया तो होता क्या है, आप वो कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि एक चीज अगर नहीं समझ आई तो उससे अगली चीज और कम समझ आती है, उससे अगली चीज और कम समझ आती है। तो डाउट सॉल्विंग को सॉल्व करने के लिए हम मेनली प्रोग्राम चला रहे हैं। लाइव क्लास के बाहर कोई भी डाउट आपका आगे नहीं जाएगा। उसके अलावा चाहे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए मैं पर्सनली इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप देखेंगे इस कोर्स में हम क्या बोल रहे हैं, चार गारंटीज हैं, डेली लाइव क्लास होगी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग की जाएगी, हर बच्चे को एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो एक मॉडल हमारे यस सर ने एकदम चैंपियन कर लिया है हमारे अनुशासन बैच में, यानी हर बच्चे के पास एक मेंटर हो जो उसका भैया दीदी की तरह काम करे, उसकी हर जरूरत चाहे कोर्स से रिलेटेड है या जीवन से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, आपको कोई भी बेसिकली सजेशन चाहिए, कुछ भी हो, आपका मेंटर आपके लिए हमेशा रेडी है। फोर्थ यानी मेरा पर्सनल नंबर हर बच्चे के पास रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जिन्होंने बैच में एडमिशन ले लिया है। आपकी कोई भी दिक्कत हो, कभी भी आप मुझे कभी भी मैसेज या फोन कर सकते हैं। तो ये मन स्टैक का बैच दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें और क्या क्या होगा, देखिए हमने यहाँ दोनों चीजें बताई हैं, प्लेसमेंट के लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे होंगे, यस सर के भी कुछ गेस्ट लेक्चर्स होंगे, बाकी प्लेसमेंट में हम क्या क्या आपकी हेल्प करेंगे, और सिमिलरली लाइव मन स्टैक में हम टोटल क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही ये 6 इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फुल स्टैक ब्लॉग, कंटेंट जनरेटर, आजकल आपको पता है AI की कितनी ज्यादा डिमांड है, तो गूगल जेमिनी की APIs को यूज करेंगे, कंटेंट जनरेटर बनाएंगे, चैट GPT की APIs को यूज करके एक चैटबॉट बनाएंगे, साथ साथ आपकी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो बाय द टाइम ये कोर्स एंड हो और आप करेंसी कन्वर्टर बना सके। होगा क्या, देखिए बाय एंड ऑफ द कोर्स क्या दिख रहा है, आपकी स्किल डेवलप होगी, यानी एक फुल स्टैक आप इंजीनियर डेवलपर अच्छे से बन जाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपकी बेल्ट में होंगे, आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल बन चुकी होगी, एक बहुत प्यारा सा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा जो कि हमारी लिंक्डइन से बेसिकली साइन अप है। जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, सर्टिफिकेट जो है आपका लिंक्डइन पे भी शो करने लगेगा, तो पर्सपेक्टिव जो भी बेसिकली एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बेसिकली आपको आपका जो सर्टिफिकेट है वो वहां पर देख पाएंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है, दुविधा है जो आप दूर करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ टॉक टू प्रशांत सर करके एक फॉर्म है, बाकी वीडियो के नीचे भी आपको सबसे पहले एक इंटरेस्ट फॉर्म का लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, आप जाइए वहां पर फिल करिए, मैं और मेरी टीम आपसे बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों एफर्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन मैं बोलूंगा ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपनी थोड़ा सा पर्सनल ध्यान चाहिए, डाउट सॉल्विंग चाहिए, और आप साथ साथ इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी चीज नहीं सर मेरे लिए कंपैटिबल है, या मैं तो अपने डाउट्स खुद सॉल्व कर लेता हूं, या रेगुलरिटी की मुझे दिक्कत नहीं है, मैं रोज बैठ के पढ़ाई करता हूं, अगर इनमें से कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप YouTube पर फॉलो करिए, YouTube पर भी ये कोर्स एकदम कंप्लीट कंटेंट के साथ यहां पर आने वाला है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं पर उसके बाद भी ऐसा लग रहा है आपको कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोविड में अगर जैसे बहुत सारी फैमिलीज में कुछ ना कुछ हादसा हुआ, ऐसा कुछ भी है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा है, आप जो नीचे हमने फॉर्म दिखाया आपको टॉक टू प्रशांत सर वो भरिए, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने बोला एक इंटरेस्ट फॉर्म का लिंक होगा गूगल फॉर्म, वो भरिए, हमारी टीम से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम भी आप शेयर कर सकते हैं, हमसे जो भी बेस्ट हो पाएगा वो हम आपके लिए जरूर करेंगे। तो ये थी बेसिक डिटेल्स। अगर मैं यस सर को मौका दूंगा, अगर आप बच्चों के लिए कोई भी क्वेश्चंस, कोई डाउट आपको अगर लग रहा है तो हम कैसे सर, पूरा रोड मैप मैंने खुद समझा। एक जो बात मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी कि मैं लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में जाता हूँ, एक क्वेश्चन आता है सर प्रोजेक्ट्स कितने बनाने, कैसे बनाने, क्या रोड मैप होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ 6 प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, उसमें से 2-3 प्रोजेक्ट भी अगर आपने अच्छे से कमांड कर लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। दूसरा सर, अभी जो बच्चे फाइनल ईयर में आ रहे हैं जिनका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, तो क्या उनको अपनी जेनरिक प्रिपरेशन पे टिकना चाहिए, या साथ के साथ 1-2 घंटे डेली यहाँ निकाल कर भी डिवोट कर सकते हैं? देखिए इसमें बताऊं, 1-2 साल पहले तक एक्चुअली ये इतना मैटर नहीं करता था, क्योंकि प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा थे, जनरली एप्टीट्यूड नॉर्मल कोडिंग के बेस पर प्लेसमेंट्स हो जाया करते थे। आप लोगों की किस्मत इस मामले में थोड़ी सी खराब है, सबको पता है जॉब मार्केट इस समय कैसी है, कोविड में अगर 100 जॉब्स निकला करती थी, आजकल वो जॉब सिर्फ 20 रह गई है, 15-20, राइट? तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, कंपनीज के पास भी चॉइस थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले वो सब बच्चों को ट्रेन किया करती थी, आजकल अगर ट्रेंड बच्चा उनको मिल रहा है तो लोग अपना 2-3 महीना ट्रेनिंग में नहीं वेस्ट करना चाहती कंपनी। कंपनी कहती है जिस बच्चे को पहले से स्किल आती है, पहले से उसने प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी स्किल दिखाई है, मैं उसी को हायर करूंगी। तो आपके लिए डेफिनेटली आज जो भीड़ है एक जॉब की, उसमें अपने आपको अलग दिखाने के लिए, अपने आपको एक स्किल अप करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बहुत सारी हायरिंग्स आजकल आप देखेंगे जिनमें पहले से फ्रेशर हायरिंग में भी आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है कि 6 महीने का वन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिएक्ट का होना चाहिए, बैकएंड में नोड का होना चाहिए, तो वो सब यहाँ पर कवर होगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट बात, फुल स्टैक का यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए हायरिंग चाहे फ्रंट एंड की आए
वेब डेवलपमेंट किया है जैसे कि रिएक्ट जो हम यहाँ पर करेंगे, चाहे बैकएंड किया है जो हम नोड से यूज करके करेंगे, चाहे डेटाबेस किया है। अगर आप एक बार फुल स्टैक डेवलपर बन गए तो आप हर तरह की हायरिंग के लिए एलिजिबल होंगे, सब में आप जो अप्लाई कर पाएंगे। यस, तो आप लोग जेनरिक ट्रेनिंग जो आप एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश कोडिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर थोड़ा समय रोज निकाल करके सर के साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। सर दूसरे जो कैटेगरी है जो जिनको गैप हो चुका है एक दो साल का, अभी तक जॉब नहीं लगी, या रिसेंटली जिन्होंने अभी सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट करके जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई है, उनके लिए क्या प्रैक्टिकली मनस्टैक सीखने से जॉब सपोर्ट में कुछ हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए जो फ्रेशर के लिए अप्लाई बात होती है वो यहाँ पर अगर आप जैसे इन्होंने सर ने बताया कि बीटेक पास किया है, एक साल दो साल तीन साल हुआ है तब जॉब सर्च कर रहे हैं, चाहे एक आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं जो मान लीजिए डेवलपमेंट प्रोफाइल में नहीं है, बेटर जॉब सर्च करना चाहते हैं, या पहली जॉब सर्च कर रहे हैं, दोनों में ही अगर आप अपनी स्किल को एज अ फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को बनाते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो जॉब्स में रहता है। और इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, आप कोई भी 10 जॉब्स देखिए जो निकले हैं और देखिए फुल स्टैक के साथ और बिना फुल स्टैक के आप कितनी जॉब्स में एलिजिबल होंगे और कितनी जॉब्स में इंटरव्यू में अच्छे से आप बता पाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताता हूँ, हम क्या करते हैं एज पार्ट ऑफ द कोर्स, साथ साथ आपको जब कोर्स खत्म करेंगे तो उसके बाद दो हम कुछ बेसिकली गेस्ट लेक्चर्स करेंगे इस पे कि फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है। देखिए फ्रीलांसिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, होता यह है जब आपने पूरी स्किल सीख ली है, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर कोर्स कर लिया, टीचर ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो प्रोजेक्ट मैंने बना लिया, बट एक्चुअली जब खुद प्रोजेक्ट बनाने जाता हूं तो डाउट आता है। तो हम जनरली बच्चों को कोर्स के साथ साथ ही बोलते हैं कि एक दो प्रोजेक्ट हम असाइन करेंगे जो आप खुद से बनाइए, उनके डाउट्स भी आके लाइव क्लास में पूछिए ताकि आपको रियल कॉन्फिडेंस आ सके। और एक बार अगर किसी क्लाइंट के लिए आप थोड़े से पैसे लेकर भी एक प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस उससे आपको आता है कि भाई मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो लाइव बेसिकली दुनिया में चल रहा है और किसी ने उसके लिए पैसे पे किए हैं, इसका मतलब वो कुछ एक अच्छी चीज है और उसको आप अपने रिज्यूम में भी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा चाहे वो साइड इनकम के लिए हो चाहे वो आपके जॉब के लिए हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए तो मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी मिली। अगेन जस्ट एक बेसिक सम अप कर दूं तो जो हमारी कैनोपी है सारे चैनल्स की जो आपको इनिशियली दिखाई गई उनको आप यू नो फॉलो कर सकते हो, केजी कोडिंग चैनल, नॉलेज गेट चैनल को भी, ताकि ओवरऑल जो आपका प्लेसमेंट प्रिपरेशन है और आपकी जो डिग्री है वो फ्रूटफुल तरीके से एंड और आपको इन द एंड वो जो आपकी ड्रीम जॉब है वो मिल सके। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।